Welcome to my YouTube channel Math Class, and in this video we solve the problem of exercise 3.6 question number first the third question jo hai 4yx plus 3y is equal to 14 and second equation हमारे पास है 3yx minus 4y is equal to 23. तो आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे करें, इसके पहले तो reducible form करते थे, उसमें इन दोनों में हमें fraction में दिया होता था तो हम लेट करके कर लेते थे. तो इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. तो चलिए देखते हैं हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लिखना पड़ता है हमको अगर आपको बोर्ड में मार्क्स पाने हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बी. अगर आप ये सब लिखते हैं तो आपको स्टेट मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके केवल आंसर गलत हैं तो केवल आंसर के मार्क्स कटेंगे. तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बी 4yx plus 3y is equal to 14. यह हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है और 3yx minus 4y is equal to 23 यह हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1/x और यहाँ पे भी 1/x कॉमन है दोनों में. तो चलिए हम मान लेते हैं 1/x is equal to b. यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेट 1/x is equal to b मान लेते हैं. देन वी गेट हम क्या पाएंगे, देन 4/x है और 1/x को हमने b मान लिया. देन 4b plus 3y is equal to 14 या हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया. समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा, 3p प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 3p माइनस 4y is equal to 23 या हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया. तो चलिए अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं. अगर आप एलिमिनेशन से करना चाहें तो कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन तब हम सब्स्टिट्यूशन से लिए करते हैं इसको. तो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ निकाल लिया. तो चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड से हम बी का वैल्यू निकालते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड. 4p इज इक्वल टू 14 माइनस 3y. अब p का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 14 माइनस 3y बाई 4. समझ, 14 माइनस 3y बाई 4. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4th. चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, देन 14 माइनस 3y बाई 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 23. अब 14 3 जा 42 माइनस 3 जा 9y बाई 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 23. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो LCM यहाँ पे 1 होगा और 1 और 4 का LCM कितना होता है, 1 होता है. Then 4y by 1. अब 1, 4 और 1 का LCM 4. और then 42 minus 9y. और 1 4 जा 4, then 4 4 जा minus 16y. Minus 16y is equal to 23. अब क्या हो जाएगा, 4 से इधर multiply हो जाएगा. Then 42 minus 9y minus 16y is equal to 4 3 जा 12 का 2. कैरी वन और 4 टू जाए तो 92. अब ये 25y हो जाएगा माइनस 9y माइनस 16y माइनस 25y इक्वल टू 92 माइनस 42 प्लस 42 राइट साइड में आएगा माइनस 42. नंबर 25 माइनस 25y इक्वल टू 50. अब माइनस y इक्वल टू 2. अब y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस.
अब इस y की वैल्यू को b की वैल्यू में पुट करेंगे, तो हमने b का वैल्यू क्या फाइंड किया हुआ था, 14 - 3y / 4, ये हमने b का वैल्यू फाइंड आउट किया था। चलिए उसमें हम y की वैल्यू को पुट करते हैं, इंप्लाइज दैट 14 - 3, y का वैल्यू -2 है, देन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंप्लाइज दैट 14 - - प्लस 3 2 या 6 / 4, इंप्लाइज दैट 20 / 4 इज इक्वल टू 5। तो हमने b का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर लिया, 5, और y का वैल्यू -2। लेकिन हमने p को 1/x को हमने p माना है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या माना हुआ था, 1/x इज इक्वल टू p माना हुआ था, और p का हमने वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, 5, implies that 1/x is equal to 5, और x का वैल्यू यहाँ से हम क्या मिल गया, 1/5। देयरफोर हम कह सकते हैं, देयरफोर द वैल्यू ऑफ x एंड y बी 1/5 एंड -2। सो फ्रेंड, अगर आप कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है जो है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, इसके पहले तो हमारे पास केवल एक ही यहाँ पे वेरिएबल रहता था तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे, अब कैसे करें। तो फ्रेंड डरिए मत, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी आप वही चीज़ कॉमन पाते होंगे, जैसे यहाँ पे हमको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, 1/x - 1, यहाँ पे भी 1/x - 1, और यहाँ पे 1/y - 2 और 1/y - 2 कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि 1/x - 1 b है और 1/y - 2 q है। तो चलिए सबसे पहले तो आप जानते हैं हम लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा कि हम पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1st है द सिस्टम ऑफ लीनियर गिवन बी, और ये हमारा पहला इक्वेशन है, और यह क्या है दूसरा इक्वेशन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो सपोज करेंगे लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू बी एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू क्यू, ये हम सपोज करेंगे। अब इसको पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1st and 2nd वी गेट। तो चलिए हम पुट करते हैं, देन यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशंस में 5p + q, यहाँ पे q हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6p - 3q इज इक्वल टू 1, यह हमारा इक्वेशन नंबर 3rd हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4th हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम p की वैल्यू, यहाँ से आप आराम से q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन हमें q का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, q इज इक्वल टू 2 - 5p। तो चलिए इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 4th में, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 4th में, सब्स्टिट्यूटिंग the value of p in equation 4th we get, चलिए put substitute करिए तो 6p के जगह पे 6p तो रहेगा ही, 6p - 3, q के जगह पे चलिए इसको put करिए 2 - 5p is equal to 1, 6p - 3 2 - 6 और -(-+15p) इज इक्वल टू 1। अब 6p और 15p 21p और 1
और वन और माइनस सिक्स जब राइट साइड में आएगा तो प्लस सिक्स देन सेवन देन पी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ से पी का वैल्यू 7/21 इज इक्वल टू 1/3 यहाँ से हमने पी का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया 1/3 तो चलिए इसको हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट करने में रखते हैं तो हमने Q का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया था 2-5P हमने Q का वैल्यू फाइंड आउट किया था चलिए उसमें पुट करते हैं B की वैल्यू को इम्प्लाइज दैट 2-5 × 1/3 चलिए जब रखेंगे देन हमें क्या मिलेगा 2-5/3 यहाँ कुछ नहीं है एलसीएम तो 1 इम्प्लाइज रेट जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 1 × 3 = 3 देन 3 × 2 = 6 -5 क्या आ गया हमारा वैल्यू Q का 1/3 और P का भी क्या आया है हमारा वैल्यू 1/3 तो चलिए अब हम X एंड Y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हमने P के भी वैल्यू को 1/3 फाइंड आउट किया है और Q के भी वैल्यू को 1/3 फाइंड आउट किया है तो चलिए P एंड Q की वैल्यू को हम रखते हैं P एंड Q के वैल्यू जो हमने माना था putting the value of P and Q in 1/x - 1 = P and 1/y - 2 = Q हमने माना हुआ था तो चलिए यहाँ पे B की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू को पुट करते हैं implies that 1/x - 1 = 1/3 and 1/y - 2 = 1/3 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये x - 1 = 3 मिल गया एंड y - 2 = 3 मिल गया अब यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया 3 + 1 = 4 एंड y = 3 + 2 = 5 देयरफॉर हमने फाइंड आउट कर लिया x एंड y की वैल्यू therefore the value of x and y be 4 and 5 so friend अगर आपको कोई भी डाउट हो इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू तब तक के लिए हैव अ नाइस डे